अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सैफ़ अली किंग। आप देख रहे हैं स्टार टॉक्स विद किंग। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपलोड मिल सके आपको सबसे पहले। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ कि ऑल नोटिफिकेशन को आप कैसे क्लिक कर सकते हैं। जिसने आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे, साथ आपको बेल आइकन का निशान नज़र आएगा। उस बेल आइकन को आपने प्रेस करना है और ऑल पे जाना है। इस तरह आप ऑल नोटिफिकेशन के लिए एग्री हो गए हैं। गाइस, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आप हमारा व्लॉग किस कंट्री से देख रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले सीन में। जी गाइस, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, पर पता नहीं क्यों आज वो स्टेमिना नहीं है, हिम्मत नहीं है, पता नहीं कुछ आज दिन बोरियत वोरियत सा लग रहा है, तो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा आज। फिर भी मैं आप सबके लिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम आप मेरे पर स्पेंड करें हैं, मेरा भी फर्ज बनता है मैं आप सबका ख्याल करूँ। और मैं आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करना चाहूँगा, आप सब लोग सोच रहे होंगे ईद गुजर गई है, अब ये कटिंग वगैरह क्यों नहीं करा रहा, लुक वगैरह क्यों नहीं बना रहा, अपना नॉर्मली रह रहा है। वो इस वजह से है कि आप सबको बता दूँ कि अनकरीबन मेरी ऑफिशियल गाने की शूटिंग है, तो उसकी वजह से मैं लुक रख रहा हूँ। और आने वाले वक्त में मैं वो भी रिवील करूँगा, डेट और टाइम कब है, किस दिन, डायरेक्टर साहब से मीटिंग हो चुकी हुई है मेरी, बस कुछ ही दिनों में वो वीडियो की डेट फाइनल होगी और उसी के साथ मैं आप लोगों को रिवील करूँगा इस प्रोजेक्ट की डिटेल। और रही बात जो मैंने आप लोगों को 45 व्लॉग तक बताना है, वो एक सरप्राइज़ लैदा है, ये एक प्रोजेक्ट मेरा लैदा है, ठीक है गाइस। गाइस, ये देख सकते हैं जिस तरह कि आप कितनी तेज़ धूप निकली हुई है आज, और मौसम दो दिन से ठंडा था, लोग समझते थे लाहौर में अब सर्दी आ जाएगी, पर धूप ने बताया आई एम बैक। और यकीन माने इस टाइम मौसम चेक करें, क्या मौसम बना हुआ है, गाइस इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ है पाकिस्तान में इस टाइम। मैं कहता हूँ यकीन माने बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आया हुआ था किसी काम से बाहर, तो कोशिश कर रहा हूँ छाँव छाँव में ही चलूँ क्योंकि धूप में चल रहा तो काफ़ी गर्मी लग रही है, और पता नहीं क्या टेम्परेचर है। दरअसल लाहौर का यही प्रॉब्लम है कि लाहौर में जब मौसम सुहाना होता है उसके बाद धूप उससे भी तेज़ निकल आती है, इस वजह से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ दिन पहले इन सब गलियों में बकरे थे, पर अब ईद जाने के बाद कुछ भी नहीं है, इनकी कमी तो महसूस होगी। अल्लाह ताला सब की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए जी, इंशाल्लाह आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। जिस तरह कि आप सब जानते हैं, मेरे साथ एक जो भाई होते हैं जिनका नाम है उसामा चौधरी, उनकी मुझे कॉल आई थी कि कल है इलेक्शन और इलेक्शनों पे हमने जाना है। और आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज़ के इलेक्शन है, ये तो मैं आपके सामने अब कल ही रिवील करूँगा किस चीज़ के हैं, इलेक्शन हाउस में जाके। और उम्मीद है कि मैं आपके लिए वहाँ पर एक व्लॉग बनाऊँ इलेक्शन के दौरान, कैसे कैंपेन चलाई जाती है, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा हुआ है। और ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के शहर लाहौर में हो रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा कहीं और नहीं। और कल हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, अगर जा सके पूरी कोशिश करेंगे कि जाएं, और आप व्यूवर्स के लिए स्पेशल जाके वहाँ पर कवरेज करें, जो भी सूरत हाल है व्लॉग बनाएं, वीडियोस वगैरह में आप लोगों को दिखाएँ कि इलेक्शन होते किस तरह, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा होता है और उनके क्या एजेंडे होते हैं, वो क्या अपने माइंड में सोच रहे होते हैं आवाम के लिए, क्या उन्होंने करना है और क्यों वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पर जो उनको वोट डालने आए होंगे कैंडिडेट को, उनकी भी हम आपको राय दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं और उनका क्या टॉपिक है कि वो इनको क्यों वोट दे रहे हैं, किस वजह से, आखिर उन के लिए ये क्यों अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ तक आए हैं। साफ जाहिर है हर बंदा इस दुनिया में इस टाइम बहुत मसरूफ़ है, तो जिसने टाइम निकाला है उसको पता है उसकी टाइम की कीमत है, तो वो साफ जाहिर है आज अगर किसी
पे इन्वेस्ट कर रहा है तो कल को जाके वो उसी बंदे से फ़ायदा भी तो उठाएगा। तो लिहाजा ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसकी बाकी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ कल ही शेयर करूँगा। और कल जिस तरह कि आप सब जानते हैं इतवार है, पाकिस्तान में छुट्टी का दिन है, तो इसलिए ये कैंपेन रखी गई हो इलेक्शन की, ताकि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर तादाद में आएँ, और जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो ज़्यादा वोट से जीत सकें। आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगा और बाकी की अपडेट अगले व्लॉग में। तो इसी के साथ अपने होस्ट सैफ अली अरशद किंग को इजाज़त दीजिए। एक दफ़ा फिर से अपील करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट अपलोड आपको मिल सके सबसे पहले। और मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूँ। इसी के साथ अपने होस्ट सैफ अली अरशद किंग को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, बाय।